सीकर जिले के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष सहित कई लोग मिलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अधिकारियों और कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के संबंध में यह ज्ञापन दिया गया। अधिकारी और कर्मचारी की सभी मांगों को लेकर संबंधित मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांगों की पूर्ति हेतु समय समय पर ध्यान आकर्षण करवाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है जिसमें पिछले 7 वर्षों से प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है, जिसके कारण सभी जिलों के कर्मचारी अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में प्रदेश के आह्वान पर 28 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीबी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।